प्रदेश सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 1,00,000 नौकरियों का वादा किया, मगर अब तक प्रदेश में बेरोजगारों की स्थिति नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि स्थिति ये हो गई है कि हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी दर में देश भर में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। युवाओं की मांग है कि मंत्रिमंडल से सृजित पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। अधीनस्थ चयन बोर्ड को भंग करने के बाद स्थापित किए गए राज्य चयन आयोग से भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। सुचारू रूप से आने वाली भर्तियों में लोगों को आउटसोर्स को ना रखा जाए। इसके अलावा युवाओं का आरोप है कि रिटायर्ड अफसर को एक्सटेंशन दी जा रही है, जिसके कारण चलते काम में देरी हो रही है। ऐसे में रिटायर्ड और टायर्ड कर्मचारियों को एक्सटेंशन ना दी जाए। युवाओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति की खराब आर्थिक स्थिति की बात करती है, लेकिन प्रदेश में फ्री बीज स्कीम चलाने और सरकार में अपनी करीबी लोगों को जगह देने के लिए सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक है। उन्होंने कहा कि आज वो मुख्यमंत्री को अपना 8 सूत्रीय मांग पत्र देने पहुंच रहे हैं, इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। देश सचिवालय की करता हूं कि आपने सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए। साथ में माननीय मुख्यमंत्री को और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने एक मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि 90 दिन का टाइम दिया था HPRCA को खोलने का। मुख्य मुद्दा हमारा HPRCA है। अभी चेयरमैन का गठन तो हुआ है, परंतु 2 साल बीत गई है और अभी तक रोजगार का जो कमीशन के माध्यम से होता था वो एक भी पोस्ट नहीं है। जो विधानसभा में रखी जाती है वो 885 पोस्टें हैं और जो राज्यपाल को सौंपे गया ज्ञापन उसमें 1460 हैं। इस तरीके से आज तक का जो ब्यौरा है, बाकी हमने 8 सूत्री मांग पत्र दी है, उसमें अनेक प्रकार की डिमांडें रखी है। फिलहाल हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री किस तरीके से हमारी भावनाओं को समझते हैं वो अब देखना बाकी है। आउटसोर्स भर्ती इसमें चहेते को लगाया जा रहा है। आउटसोर्स भर्ती का आपका उदाहरण देता हूँ मैं, विश्वविद्यालयों का, वहाँ पे एक पोस्ट एडवर्टाइज होती है और 8 बंदे रखे जाते हैं। JEE की 7 पोस्ट एडवर्टाइज होती है और 12 JEE रखे जाते हैं। इस तरह आउटसोर्स यही नहीं है, पूरे विभागों में एक कलंक है। ये जो चहेते होते हैं इनको एकदम अंदर करते हैं। अब तो आउटसोर्स में आजकल इन्होंने जो एक हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन खोला है उसके तहत 10 कंपनियां बुला दी है। 10 कंपनियां टेंडर लेंगे और टेंडर से जो चहेते होंगे उनके DO नोट के थ्रू निकालेंगे। जब हिमाचल प्रदेश में सेंक्शन जो पोस्टें हैं उसके नियम अनुसार जो RNP रूल होते हैं उससे भर्ती करो, इनके द्वारा तो RNP रूल तो दूर। जो रिटायरी भी हो रहे हैं उनको भी वापसी रखा जा रहा है क्योंकि वो उनके चहते हैं। इसलिए आज बेरोजगारों को अपनी आवाज के लिए सचिवालय आना पड़ा। राज्य चयन आयोग एक मुख्यमंत्री की सोची समझी साजिश है, क्योंकि जो राज्य चयन आयोग है पहले कर्मचारी चयन आयोग होता था, सिर्फ नाम में परिवर्तन हुआ, ढांचा वही है और सरकार अलग है। अगर आपने परिवर्तन करना ही था, भर्तियां तो लागू शानन कमेटी की गठन किया, उसमें पैसा खर्च किया, बाद में अब फंक्शनिंग करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। 2.5 साल बीत गए क्या? 2.5 साल मुख्यमंत्री और चाहते हैं फंक्शन करने के लिए? 2.5 साल में कोई भर्ती नहीं हो पाई है क्योंकि हमारे साथ जो रिकॉर्ड मिला है कैबिनेट में 6,500 पोस्टें अप्रूव हुई है। ये कैबिनेट जुंगा कैबिनेट है, इसमें पोस्टें सिर्फ समाचार में दिखती है, बाकी धरातल पे एक भी पोस्ट मुख्यमंत्री बताए कि कहाँ किस कमीशन से एडवर्टाइज की है। ये तो आउटसोर्स पे डॉक्टर नर्स रख रहे हैं, एडवर्टाइज की तो बात ही नहीं होती। आए हैं ये माहौल आप देख ही रहे हैं। पिछले 2 साल से जब से हिमाचल की ये नई सरकार आई है, जिसने युवाओं से वादा किया था कि हम जो हर साल 1,00,000 नौकरियां देंगे, तो ये तो 2,000 नौकरी भी सरकारी क्षेत्र में नहीं दे पाई 2 साल में, और जो नौकरियां पहले से व्यापित थी उसको भी ये जो है फुलफिल नहीं कर पाई है सरकार। तो आज हिमाचल सरकार को हम आगाह करने आए हैं कि अब अति हो गई है, युवा बहुत तरह से परेशान है प्रदेश का। 12,00,000 के करीब रजिस्टर्ड बेरोजगार इस प्रदेश में बैठा है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी के आंकड़ों के हिसाब से यदि देखा जाए तो 2 नंबर पर हिमाचल प्रदेश आ जा रहा है। तो इतने छोटे से स्टेट में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के हिसाब से आप इंडस्ट्री भी उस तरह से नहीं है हमारे यहाँ पे। टूरिज्म आप प्रमोट कर सकते थे उस तरह से, वहाँ भी सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं दे पा रहे हैं। तो युवा पूरी तरह से प्रदेश का त्रस्त है और इस त्रस्त सरकार से गुहार लगा रहा है कि आप जो है युवाओं की आवाज़ बने, अदरवाइज
युवा जो है कुछ दूसरे काम के लिए तार हो जाएगा। 8 सूत्री मांग पत्र सौंपने हमारे यहाँ सरकार को, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मांग है मीरपुर सिलेक्शन बोर्ड जो है उसको आपने हाल तो किया है, लेकिन उसके माध्यम से भर्ती आप 2 साल से क्यों नहीं कराए। 23 सितंबर 2023 को आपका बोर्ड बन चुका है, 1 साल में 1 भर्ती करवाई है उसकी, वो भी जो है पूरी नहीं हुई अभी तक। तो पहली मांग हमारी ये है कि आप जो है इस हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड को जल्द बहाल करें, वहाँ पे स्टाफ रखें और भर्ती टर्म बाउंड के अंदर फिक्स करें। 6 महीने से ज़्यादा कोई भी रिक्रूटमेंट रुकने नहीं चाहिए, ये हमारी पहली डिमांड है। उसके बाद आउटसोर्स पर भर्ती बिल्कुल बंद करें आप, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दें। और तीसरी हमारी डिमांड है जल्द से जल्द जो भी ज्ञापित पद है 86 पोर्ट कोड जो सारे हमारे स्टेट के अंदर जो ज्ञापित हुए पिछले सरकारों में भी और इस सरकार में भी कैबिनेट के जो प्रूफ पोस्ट हैं उनको जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें, क्योंकि युवा अब ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता है, ये हमारी मेन मांग है इसमें। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे आए हैं, बस यही इसमें मेन है, आए हैं। ये माहौल आप देख ही रहे हैं, पिछले 2 साल से जब से हिमाचल की ये नई सरकार आई है, जिसने युवाओं से वादा किया था कि हम जो हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे, तो ये तो 2000 नौकरी भी सरकारी क्षेत्र में नहीं दे पाई 2 साल में, और जो नौकरियां पहले से व्यापित थी उसको भी ये जो है फुलफिल नहीं कर पाई है सरकार। तो आज हिमाचल सरकार को हम आगाह करने आए हैं कि अब अति हो गई है, युवा बहुत तरह से परेशान है प्रदेश का, 12 लाख के करीब रजिस्टर्ड बेरोजगार इस प्रदेश में बैठा है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी के आंकड़ों के हिसाब से यदि देखा जाए तो 2 नंबर पर हिमाचल प्रदेश आ जा रहा है। तो इतने छोटे से स्टेट में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के हिसाब से आप इंडस्ट्री भी उस तरह से नहीं है हमारे यहाँ पे, टूरिज्म आप प्रमोट कर सकते थे उस तरह से वहाँ भी सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं दे पा रहे हैं। तो युवा पूरी तरह से प्रदेश का त्रस्त है और इस त्रस्त, मेरा नाम पवन कुमार नेगी है, हम लोग पीछे फिजिकल एजुकेशन वाला हूँ मैं, तो हम लोग पीछे भी रैली किए थे, उसमें भी हमारे 1200 लोग थे, और आज स्थिति हो गई, देखो आज तक तो फिजिकल वाले ही रो रहे थे, तो आज आप लोग देखते हैं ये ऑल हिमाचल में जो भी अलग अलग से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं वो सब लोग रो रहे हैं, और आज वही ये तो यूनिवर्सिटियों से यहाँ पे जो लाइब्रेरीज है वहाँ से उठ के आए हैं बेचारे, और इतना ये स्थिति हो गई। देखो ये बाहर से आउटसोर्स भर रहे हैं, क्या जरूरत हो गई आउटसोर्स भरने की, इन लोगों ने आउटसोर्स से इतना पैसा मिलेगा जितना इन्होंने आज तक पढ़ाई में लगाया वो पैसा भी पूरा नहीं होगा पूरी जिंदगी में। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, और इन लोगों को ले रहे हैं जो रिटायर्ड है, जो ऑलरेडी रिटायर है उनको लगा रहे हैं 2-2, 3-3 साल के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो ये लोग हैं न्यू जनरेशन है ये लोग कब जाएंगे? इन लोगों के लिए मतलब क्या सोच क्या रही है सरकार? अभी देखो स्थिति ये हो गई हिमाचल प्रदेश में, हर आदमी आज रो रहा है जूझ रहा है इस स्थिति से कि हो क्या रहा है। एम्प्लॉयज परेशान है, पेंशनर परेशान है, जो भी पूछेगा वही सिर पकड़ के बैठता है कि ये सुख की सरकार नहीं है, ये तो दुख की सरकार है, सुखू सरकार नहीं है ये दुखू सरकार है। स्थिति ये हो गई, आप हालात देखिए, आज आज जो इन लोगों को पिछले 3-3, 4-4, 5-5 सालों से लाइब्रेरियों में बैठे हैं बेरोजगार लोग हैं, क्या करेंगे ये? आज सरकार सोच ही नहीं रही और प्लानिंग बना रही है और सोर्स से भरेंगे, लोग तो मजबूर है, क्या करेंगे और किसके आगे गिड़गिड़ाएंगे? लेकिन जब वोट मांगते थे तब तो साफ बोलते थे हम 1 साल के अंदर 1 लाख भर्ती करेंगे, आज पूछेंगे तो तब बोलते हैं इतनी तो जनसंख्या भी नहीं बनती हमारी। तो ये इन लोगों का किस तरह का झोल पोल है, या तो आप पहले ही क्लियर करके सरकार में आप ऐसे आते हैं इतने झुमले देते हैं कि मतलब सरकार बन जाए उसके बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं कि करना क्या है, ये स्थिति है आज। तो आज बेरोजगार उतर गए हैं ग्राउंड में और ये स्थिति रही तो दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जाएगा। हमें बताया है, हम फिजिकल वाले हमें बताया नवंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है हम इंतजार कर रहे हैं, वो नवंबर भी आएगा फिर देखते हैं क्या स्थिति रहती है। ये हालात है आज हिमाचल प्रदेश में। जय हिंद, धन्यवाद सर। मेरा नाम पवन कुमार नेगी है, हम लोग पीछे फिजिकल एजुकेशन वाला हूँ मैं, तो हम लोग पीछे भी रैली किए थे, उसमें भी हमारे 1200 लोग थे, और आज स्थिति हो गई, देखो आज तक तो फिजिकल वाले ही रो रहे थे, तो आज आप लोग देखते हैं ये ऑल हिमाचल में जो भी अलग अलग से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं वो सब लोग रो रहे हैं, और आज वही ये तो यूनिवर्सिटियों से यहाँ पे जो लाइब्रेरीज है वहाँ से उठ के आए हैं बेचारे, और इतना ये स्थिति हो गई, देखो ये बाहर से आउटसोर्स भर रहे हैं, क्या जरूरत हो गई आउटसोर्स भरने की? इन लोगों ने
बात की है, आप महिलाओं को 1500-1500 फ्री में दे रहे हो, उसके अलावा आप रोजगार देना पसंद करो, आप फ्री में 1500-1500 दे रहे हो और अब आप बोल रहे हो कि वो मैं नहीं दूंगा, तो ये क्या बात हुई? आर्थिक स्थिति यहाँ कहाँ जा रही है? तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, ना कि ये कि आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है। यस, इट्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हो आप जब आपको दिखता है कि भर्तियाँ नहीं निकल रही है, और मुझे एक साल हो चुका है। नहीं, अगर आप मुझसे कहो तो माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, तो मुझे घर से ऐसा कोई इशू है नहीं, बट इट्स फील कि जब आपको सपोर्ट किया जा रहा है और फिर भी पोस्टें नहीं निकल रही है, तो इट्स टू डिमोटिवेटेड। इट्स थैंक यू मैम। मेरा नाम श्रुति भारद्वाज है एंड मैं एक छात्रा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि इस आंदोलन को सरकार के खिलाफ ना देखा जाए। ये जो आंदोलन है, हमने सरकार को इलेक्ट किया है, हमने वोट किया है, वो हमारी सरकार है, बस वो हमारी बातों को समझे, हमारी मांगों को समझे, हमें इस काबिल समझे कि हमारी बात सुनी जाए। मांगे ये है कि जो भर्तियां हैं वो रेगुलर निकलनी चाहिए, जो आउटसोर्स भर्तियां हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, एंड क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हम डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, हमें गाइड करे, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स जो है वो आगे आए, हमसे बात करें, हमारी मांगों को सुने, जो 8 मांगे हमने रखी है। और दूसरी बात, जो ये पेपर में आजकल चीटिंग और धांधली चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से एक युवा छात्रा होने के नाते ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, मुझे लगता है कि मेरी जो परेशानी है वो कुछ भी नहीं है उन छात्राओं के सामने जो काफी सालों से तैयारी कर रही है, मैं आज उन्हीं को प्रेजेंट कर रही हूँ, वो हम लोगों के बीच में है, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। ज़रूरी है कि सब सामने आए और सब अपनी बात रखें, तो उनके बिहाफ पे मैं यही बात रखूँगी कि वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत डिमोटिवेटेड है, बिकॉज हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्तियाँ निकलेगी, एग्ज़ाम्स निकलेंगे, लेकिन अभी तक उनको एग्ज़ाम में बैठने के मौके नहीं मिले। जी 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 सर, मैं समझती हूँ कि आर्थिक स्थिति जो है वो वाकई खराब चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जो हम युवा हैं, हमें देश का भविष्य समझा जाता है, हमें एसेट समझा जाता है, तो हमें भी नेगलेक्ट ना किया जाए, हमसे बात करें, हमें गाइड करें प्रॉपरली, वो हमें बताए कि उनके क्या आगे की स्ट्रैटेजीज हैं हमारे करियर को लेके, जो हम शिक्षित तो युवा है वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, वो हमसे इंटरेक्ट करें, हमसे बात करें, तो डेफिनेटली हम भी उनको समझेंगे, वो भी हमें समझेंगे।